सुशील केडिया भी जी है? हाँ, हमारे साथ सुशील केडिया आ चुके हैं, जो भरपूर आज तो खुश होंगे तुम, ये कहना पड़ेगा खुश तो बहुत उनको होंगे तुम, वो आज डायलॉग तो नहीं, इसी डायलॉग से शुरुआत बड़े होनी दिनों बाद दिखाई दिए हैं चाहिए। सुशील जी। वाह क्या बात है सुशील जी, आपका स्वास्थ्य बेटर है, अच्छा लग रहा है आपको वापस शो पे देख के। आपने जो है इस बड़ी नॉन कंसेंसस कॉल के साथ मंदी की शुरुआत की थी, अभी कटवाएंगे आप अपने फॉलोअर्स को शॉर्ट पोजिशन या अभी भी आप होल्ड करने को कहेंगे? देखिए, आपके साथ ज्यादा मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? जी हाँ, हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बताइए। तो मेरा आपके साथ करीब करीब बुधवार फिक्स है, तो बाजार मेरी बांधी तो है नहीं कि वो बुधवार को ही बोले। जिस दिन जी जब सही कह बाजार रहे बोलेगा हो, उस दिन मुझे काटना पड़ेगा, हम सब बाजार के गुलाम हैं, सही बाजार कह रहे किसी हो। की गुलामी करता नहीं। तो डाउन ट्रेंड बनना है इंडाइसेस में, और उससे ज्यादा अगर मैं आपके साथ कोशिश करता हूं, मेरी स्क्रीन अगर शेयर हो जाती, नहीं आज आपके स्टूडियो ने सेटअप नहीं दिया, तो मैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स चार्ट दिखाना चाहता था। 17.5 के ऊपर अगर निफ्टी वॉलेटिलिटी इंडेक्स चली जाती है, तो हो सकता है आने वाले 2 महीनों में कोहराम जैसा माहौल भी बन जाए। पर अगर वो कोहराम जैसा माहौल बन भी जाए, और बन जाएगा, में बहुत फर्क है, रोज बाजार को देख के काम करना पड़ता है। कोई के भी पास अगले कोई ज्योतिष भी ये नहीं कह सकता अगले 1000 साल के ग्रहों की चाल निश्चित है, फिक्स है, सबकी पोजीशंस पता है, पर देश काल परिस्थिति देख के एस्ट्रोलॉजी भी होती है, तो हम तो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। तो 17.5 के ऊपर निफ्टी वॉलेटिलिटी इंडेक्स जाने पर हो सकता है 15,000 का भी निफ्टी का कॉल ट्रिगर हो जाए, वो जब होगा तब बात करेंगे। फिलहाल वही का वही पिक्चर बना हुआ है लार्ज कैप्स में, खासकर जिनमें सीवियर आउट परफॉर्मेंस आया था, एक डीप अंडर परफॉर्मेंस की साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, मैं स्पेक्युलेटिव होराइजन्स की बात कर रहा हूं, और बहुत सारे मिड स्मॉल कैप्स एंड सम लार्ज कैप्स जहां पे सस्टेन अंडर परफॉर्मेंस था। सो दिस इज द मार्केट ऑफ बाय द वीकनेस सेल द स्ट्रेंथ। तो अगर आईसीआईसीआई और एसबीआई की चार्ट अगर टूटती जा रही है, तो भाव के साथ चलने वाले ट्रेडर को उनको बेच बेच के आगे सौदा बढ़ाना पड़ेगा। पर अगर बंधन बैंक की चार्ट कहीं नहीं जा रही, या अगर हमें आरबीएल की चार्ट पे लगता है कि अगले 1.5-2 साल में अनहोना ऊपर का भाव भी बन सकता है, तो वहां उसको छोड़ना पड़ेगा कि आप 15% कमाने के लिए 200% की चाल मिस नहीं कर सकते। तो उसी तरह अगर ऑटोज में टाटा मोटर सबसे लास्ट में चला, और उसका अंडर परफॉर्मेंस अभी भी आउट परफॉर्मेंस का थोड़ा सा झलक दिखा रहा है, तो आप टाटा मोटर्स को बेचने नहीं भागोगे। अगर मारुति की चार्ट ने सिर्फ रैली बनाई है, तो आप मारुति को बेचोगे अगर बाजार घटता गया तो। या टीवीएस मोटर्स जिसने हो सकता है एक साइक्लिकल टॉप बनाया, और वो अगर पिछला पिछला ट्रेडिंग लो तोड़ देगा, तो फिर वो भी शॉर्ट हो जाएगा। अगर आप टू व्हीलर्स पे आते हो, तो अगर बजाज ऑटो सरप्राइज रैली दिए जा रहा है, तो भाव से दुश्मनी क्यों? अब बजाज ऑटो की अगर चाल पूरी हो जाती है कुछ दिन में, और उसके बाद हीरो मोटो को चल पड़ेगा भले इंडेक्स नीचे घटती जाए, तो इंडेक्स की घटबड़ का मतलब ये नहीं कि सारे शेयरों को एक साथ गिरना पड़ेगा या बढ़ना पड़ेगा। और आउट परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस कैसे आता है, बहुत सरल भाषा में समझा जा सकता है। अगर हमें अभी भी वहां बहुत सारे बी ग्रुप के स्टॉक्स दिखते हैं, जो टाइम टू टाइम आपसे मेंशन करता रहता हूं इन पासिंग, कि निफ्टी 15% घटने का अगर व्यू बन भी जाता है, तो भी 50% बढ़ने वाले बहुत सारे स्टॉक्स की चार्ट है, तो क्या होगा? 10% निफ्टी घटेगी, तो इस तरह के स्टॉक सिर्फ 5% घटेंगे, और 5% की निफ्टी में इंटरिम रैली आएगी, ये स्टॉक्स 20-20% बढ़ जाएंगे। तो हर तरह का बाजार है, और जिसको जिस तरह के स्टॉक सूट करे, जो टाइम होराइजन सूट करे, अलग अलग व्यापार है। हाँ, ओवरऑल अगर हम बाजार का मतलब इंडेक्स कहें, तो इंडेक्स ने तो मंदी की चाल पकड़ ली है। हाँ, ये वाला जो लास्ट आपके से वो मैं समझ गया कि अभी कुछ खास रीजन नहीं नजर आ रहा है आपको चार्ट वार्ट पे कि भाई वो बदलें आप, क्योंकि आपने काफी अर्ली इसको साइन को पकड़ लिया था, तो मैं वो जानना चाह रहा था कि कोई रिवर्स तो नहीं किया अभी आपने स्टांस। आप कह रहे हैं कि नहीं अभी कुछ रिवर्स नहीं किया? तो आज का तो फॉल हमें भी चकित कर गया, लगा था अच्छा। कि एंट्री पॉइंट छोटा बने, तो बाजार अगर नीचे का मोमेंटम पकड़ रहा है, तो उसके साथ ही चलना पड़ेगा। अब वो टेक्निकल 100-200 पॉइंट की लंगोट पकड़ने वाले जो लोग हैं, जिनके पास भगवान ने इतनी कला दी है कि 100-100 पॉइंट खेल लेते हैं, हमें 30 साल में वो गेम समझ में नहीं आया। तो 100-100 पॉइंट खेलने वालों के लिए 17-150, 17-250 के बीच में एक इंटरिम सपोर्ट रेंज आ सकती है, वहां से 200-300 पॉइंट क्या पता बढ़े। तो फिलहाल अगर गाड़ी चल पड़ी है और हम प्लेटफॉर्म पर पहले ही जल्दी आ गए थे, तब जब ट्रेन ने चलना शुरू किया, तो मैं क्यों उतरूं नीचे? पिछली बार जब आपसे बात हो रही थी ना, तो आप कुछ फार्मा नेम्स भी ले रहे थे। आप कह रहे थे कि शायद स्मॉल फार्मा स्पेस है, कुछ स्मॉल फार्मा वो रेडी हैं अच्छे राइज के लिए, और हम देख रहे हैं थोड़ा बाजार डिफेंसिव की तरफ टिल्टेड भी है। यहाँ से कुछ आपको स्ट्रॉन्ग शिल्पा स्टॉक्स दिख रहे मेडिकेयर हैं? बोला था उन्होंने, क्या हाँ चला है शिल्पा मेडिकेयर उसके हाँ बाद? करेक्ट। 23-26% अब चल देखिए, चुका है वहां से। ये शिल्पा मेडिकेयर, बायोकॉन, लॉरस लैब जैसे स्टॉक, अगर कोई को रोज रोज ट्रेडिंग करके कमाना है, तो उनके तो हम नतमस्तक है, साष्टांग दंडवत कर लेंगे, जिनके पास रोज पैसा कमाने की कला है।
थोड़ा बहुत तो वॉलेटिलिटी सबको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, पर 2-3 महीने के व्यू पे स्मॉलर फार्मा करीब करीब बॉटम के लक्षण बहुत सारे स्टॉक्स में बन गए हैं, और वहीं पे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स हो सकता है इंडेक्स के साथ साथ अच्छी लड़क दे दें। और उसी तरह से अगर आप अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस की बात करो तो लार्ज कैप आईटी नेम्स, अगर निफ्टी को इतना घटना है तो विप्रो, इंफोसिस, टीसीएस को बाकी नहीं छोड़ेगी निफ्टी, पर एट द सेम टाइम हम बिरला सॉफ्ट नहीं बेचेंगे, हर डिप पे लेने के लिए शायद उसकी चार्ट हो। तो आईटी और फार्मा में स्मॉलर नेम्स हैव ऑलरेडी बीन पनिश्ड, उनकी सजा हो चुकी है, अब जब बड़े लोगों का भोजन हो जाएगा तो वो भी जोर की रफ्तार पकड़ेंगे फाइनल निफ्टी के बॉटम के बाद, तब तक वो शने शने बढ़ेंगे। और स्टील नेम्स जो हैं, टाटा स्टील और सेल, मुझे लगता है दोनों तरफ पैसा लगने वाली चार्ट है, और जिंदल के नेम्स, इनका एक साइक्लिकल पीक अब करीब करीब पूरा हो गया ऐसा लगता है, तो अगर स्टील भी साथ नहीं देगा तो बचता गया ऑयल एंड गैस, 10% का करेक्शन, सो लीस्ट डैमेजिंग सेक्टर माइट बी ऑयल एंड गैस फॉर सम टाइम, और बाकी लार्ज कैप्स को हर जगह ही लुढ़कना पड़ेगा, अगर 17.5 के ऊपर की विक्स जाके हाहाकार का माहौल मच गया तो सारे लार्ज कैप्स को करीब करीब हिस्सा लेना पड़ेगा। समझ गए आप सुशील, कह रहे हैं कि और पेन दिख सकती है आपको, लेकिन अब यूएस मार्केट्स को कैसे आप ग्लोबल फ्रंट पे भी थोड़ी से अपने व्यू शेयर करें। डॉलर इंडेक्स के भी आपने बात की थी कि वहां पर भी तेजी दिखती है, आप 104 के ऊपर हैं, फिर से बॉन्ड यील्ड ऊपर स्पाइक हुई है, यूएस मार्केट्स को कमोडिटीज की रैली ये सब कैसे दिखती है? देखिए, एक तो क्या है कि डॉलर इंडेक्स इस बार अगर ये चित्कार मचता है बाजार में तो डॉलर इंडेक्स का इसमें काफी बड़ा रोल रहना चाहिए, तो लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स का भी जो बॉटम है सिक्योर्ड है, 110 के भी ऊपर हम निकल गए तो फिर तो कुछ भी ये मचा सकता है। तो ऐसे में जो ये जो देशभक्ति पे प्रश्न उठाने वाली राजनीति होती है ना कि रुपया न्यूनतम लो पे चला गया, तो मैं आपको एक चीज कहता हूँ, यूरो की चार्ट खोल के देखिएगा, जिनको लगता है कि हमारा देश बर्बाद हो गया रुपया कमजोर होने पे, आप लोग यूरो शॉर्ट कर दीजिए, रुपया उसके सामने बढ़ेगा भले ही डॉलर के सामने रुपया घटे, तो ये हो गया करेंसी का एक ट्रेड। और ग्लोबल मार्केट्स में भी देखिए, जो वॉलेटिलिटी रिजीम, एक्सट्रीमली लो वॉलेटिलिटी रिजीम में हमने 1.5 साल मजे ले लिए, अब ये वर्ल्ड वाइड मेरे को लगता है भयंकर वॉलेटिलिटी शूटआउट का एक भय बना हुआ है मुझे, वो अगले सप्ताह आपसे जब तक मुलाकात होगी तब तक वो कंफर्मेशन हो जाना चाहिए। 10-10.5 तक की विक्स इंडिया में भी थी, आज 14.5-15 तक आ गई, 17.5 के ऊपर जाते के साथ अलग गेम हो जाएगा, तो S&P विक्स इज ऑल्सो रेडी फॉर एन एक्सप्लोजन, लेट अस सी इफ दैट कम्स, अदरवाइज नैसडेक, S&P, डैक्स, फुटसी, ये चारों ने सिर्फ एक रैली बनाई है, और 2-2.5 महीने पहले का जो लो था वो टूटेगा इनमें, हो सकता है वो टूटने की चाल अब शुरू हो गई, वरना 1-2 दिन का और खेल तमाशा होने के बाद वो शुरू होना चाहिए। तो ग्लोबल इंडिसेस से भी कोई मुझे भय नहीं लगता अगर कोई निफ्टी बैंक निफ्टी में मंदी का रुख बना के चले, दे माइट नॉट बी एबल टू कमेंट चैलेंजेस। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आज हमसे बात करने के लिए। आप अपना ध्यान रखिए, आपसे अगले हफ्ते ज़रूर मुलाकात होगी इन सारे ट्रेड्स और अपडेट्स के साथ। सुशील केडिया।